कहानी के शुरू में हम एक औरत को देखते हैं जिसका नाम एलन था और वो एक छोटी बच्ची के साथ समुंदर के किनारे खेल रही थी। जिसके बाद हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है, कुछ सिपाही किसी पर गोलियां चला रहे थे, तभी एक जगह पर एलन की आंख खुलती है और जो कुछ उसने समुंदर के किनारे देखा ये सिर्फ उसका एक सपना था। उसको एक कमरे में बंद करके रखा गया था। उसको कुछ भी याद नहीं था कि वो कहाँ से आई है और ना ही अपनी जिंदगी के बारे में। पर तभी अचानक से उस कमरे में ऊपर लगे स्पीकर से आवाज आती है कि सामने रखी हुई पेंसिल को तुमने वक्त खत्म होने से पहले उसकी जगह से हिलाना है। और जैसे ही टाइम शुरू होता है सारा कमरा लाल हो जाता है और सामने लगी स्क्रीन पर टाइमर शुरू हो जाता है। एलन किसी तरह अपने आप को टेबल तक लेकर जाती है, उस पर रखी पेंसिल को गिरा देती है, जिसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, सब ठीक हो गया था। एलन उस रोबोटिक आवाज से पूछती है मैं कहाँ पर हूँ, तभी वहाँ पर बजर बजता है और एलन बेहोश हो जाती है। तभी उसे एक सपना आता है जिसमें वो समंदर के किनारे रेत को देखती है। ये सब देखने के बाद दोबारा से होश में आ जाती है, मगर इस बार उसके हाथ पांव बंधे हुए थे और उसको दोबारा से वही टास्क दिया जाता है कि उसने पेंसिल को हिलाना है। उसको आवाज आती है कि अगर ऐसा तुम नहीं करोगी तो हम तुम्हारी बेटी को मार देंगे। टाइम फिर से शुरू होता है, फिर से लाल रंग की लाइट जलती है, लेकिन अब एलन को याद आ गया था कि समुंदर के किनारे खेलती हुई बच्ची उसकी बेटी है। वो पूछती है मेरी बेटी कहाँ पर है, मगर वो आवाज़ उसको कोई भी जवाब नहीं देती। एलन को वो टास्क पूरा करना था, इसीलिए वो अपने हाथों की बंधी हथकड़ी को अपने जूतों से तोड़ देती है। वो अपने जूतों को पेंसिल पर फेंकती है जिससे पेंसिल नीचे गिर गई थी, और फिर दोबारा से सब कुछ ठीक हो जाता है। एलन फिर से बेहोश हो गई थी, उसको फिर से सपना आता है, मगर इस बार उसको सब कुछ सही दिखाई दे रहा था। उसकी बेटी गाना गा रही थी, वो एलन को भी अपने साथ गाना गाने का कहती है। वो जब उसके साथ गाना गाती है तो गाती हुई सो गई थी, जिसके बाद उसकी आंख इस कमरे में खुली थी जहां पर सब कुछ उसके साथ अजीब हो रहा था, मगर इस बार उसके हाथ पांव खुले थे। वो इस कमरे में दरवाजा ढूंढ रही थी, पर यहां पर तो ना कोई खिड़की और ना ही कोई दरवाजा था। टेबल पर खाना भी रखा हुआ था जो काफी अजीब था। एलन वो खाना खा लेती है। वो जब प्लेट में अपना अक्स देखती है तो उसको ये सब कुछ काफी अजीब लग रहा था। वो उस आवाज से पूछती है क्या किया है तुमने मेरे साथ और यहाँ पर क्यों रखा है मुझे, मगर उसको कोई जवाब नहीं आता। एलन रोने लगती है और फिर रोते हुए सो जाती है। उसको दोबारा से वही समंदर के किनारे का सपना आता है, लेकिन वो जल्द ही जाग जाती है। उसे फिर से वही आवाज आती है और उसे कहा जाता है कि तुमने दोबारा से पेंसिल को हिलाना है, अगर इस बार तुमने पेंसिल को ना हिलाया तो तुम्हारी बेटी को हम मार देंगे। जिस पर एलन चिल्लाती है और कहती है अगर वाकई तुम्हारे पास मेरी बेटी है तो मुझे इस बात का सबूत दो, मुझे उसकी आवाज सुननी है। तभी वो उसको उसकी बेटी की आवाज सुनवाते हैं, जिसके बाद टाइमर चल पड़ता है। लेकिन इस बार एलन के सामने कांच की दीवार थी। वो इस दीवार को तोड़ने की बहुत कोशिश करती है पर वो नहीं तोड़ पाती। अब उसको गुस्सा आ रहा था, वो गुस्से से चिल्लाती है और पेंसिल को हिलने का कहती है। पेंसिल भी हिलकर खुद पाखुद नीचे गिर गई थी, जिसके बाद वो दोबारा से बेहोश हो जाती है और फिर से वो सपने में अपनी बेटी को देखती है जिसके साथ बैठी वो रेत का घर बना रही थी। लेकिन इस बार उसके सर में चोट लगी हुई थी और उसको पीछे से एक आदमी की आवाज भी आती है जो उसका नाम पुकार रहा था। दोबारा से एलन को जब होश आता है तो उसकी आंख उसी कमरे में खुलती है। इस बार उसको कुर्सी पर बांधा हुआ था और उसके सामने एक आदमी भी था। एलन के सर पर बिल्कुल वैसी ही चोट लगी हुई थी जैसी उसके सपने में थी। वो आदमी एलन के पास आता है पर वो ये समझ रही थी कि शायद यही वो आदमी किडनैपर है जिसने इसे यहाँ पर कैद किया हुआ है। वो उसको धक्का देती है पर वो आदमी बताता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, रॉजर नाम है मेरा। तभी एलन को सब याद आता है। वो अपने हस्बैंड से कहती है जिसने भी हमें यहाँ पर कैद किया हुआ है उन लोगों के पास हमारी बेटी है, अगर हमने उनकी काम ना किए उनकी बात ना मानी तो वो हमारी बेटी को मार देंगे। पर तभी अचानक से उस रोबोट की आवाज़ आती है जो दोबारा से इनको पेंसिल हिलाने का कह रहा था। इस बार पेंसिल रॉजर उठाता है पर आवाज आती है नहीं ये काम सिर्फ एलन ही पूरा करेगी। अब एलन कैसे करती, उसको तो बांध कर रखा हुआ था। रॉजर पूछता है तुम कैसे करने वाली हो। इस पर एलन कहती है
मैं ये काम बहुत बार कर चुकी हूँ। यही काम ये लोग मुझसे बार बार करवा रहे हैं, पर अलग अलग तरीकों से। यही बात करते हुए दोबारा से इनके दरमियान बहस शुरू हो जाती है। तभी एलन बहुत जोर से चिल्लाती है और पेंसिल के दो टुकड़े हो जाते हैं। ये देखकर तो रॉजर काफी हैरान था और खुद एलन भी। उसके कानों से खून भी आने लगा था। वो जैसे हर बार टास्क पूरा करने के बाद बेहोश हो जाती थी, इस बार भी उसके साथ ऐसा ही होता है। वो अपने सपनों में इस बार अपने हस्बैंड रॉजर को देखती है, जो गुस्से से उसकी तरफ देख रहा था, जिसके बाद दोबारा से उसकी आंख खुलती है। इस बार कमरे में उसके और रॉजर दोनों के लिए खाना रखा हुआ था। रॉजर उससे कहता है, मुझे लगता है एलन तुम्हारे पास कोई खास शक्ति है, कोई खास ताकत है। तुम्हें याद है जब तुम उससे गुस्सा होती थी, लड़ती थी, तो तुम्हारे चीखने से घर की चीजें टूट जाती थी। तुम्हारे अंदर जरूर कोई खास बात है। जिसके बाद रॉजर उसको पीने के लिए पानी देता है और फिर वो जमीन पर ही लेट जाती है। रॉजर उसे पूछता है, क्या तुम्हें कुछ याद है, मगर वो कुछ भी नहीं बताती। जब वो उसके लिए खाना लाता है तो एलन उस पर चिल्लाती है। उसके हाथ से खाना दूर जाकर गिरता है। रॉजर भी काफी हैरान था। तभी दोबारा से उसकी आंख लग जाती है और वो सपने में देखती है, जिसमें उसकी बेटी उससे कह रही थी, आप बार बार कहाँ पर जाती हैं। वो अपनी बेटी से कहती है, मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी, तुम्हारे साथ ही रहूंगी। पर इस बार उसकी बेटी गायब हो जाती है। वो उसको आवाज लगाती है, बुला रही थी, पर वो उसे कहीं नहीं मिलती। जैसे ही उसे होश आता है, इस बार उसको कमरे में कुर्सी से बांधा हुआ था, जो जमीन से जुड़ी हुई थी। यहीं पर रॉजर एलन के सर में लगी हुई चोट को देखता है, जिसे देखकर उसे पता चलता है कि उसके सर में कोई चीज लगी हुई है। तभी आवाज आती है। इस बार उसको नया टास्क दिया जाता है, जिसमें उसने टेबल पर रखी हुई बॉल को बाल्टी के अंदर डालना था, पर टेबल भी जमीन से जुड़ा हुआ था। रॉजर कहता है, देखो तुम्हारे पास ताकत है, उसका इस्तेमाल करो और टेबल को तुम जमीन से अलग कर सकती हो। एलन अपना पूरा ध्यान लगाती है, वो टेबल को जमीन से अलग कर देती है। रॉजर उसकी तरफ टेबल लाता है और तभी वो बॉल को बाल्टी के अंदर डाल देती है। पर इस बार ये टास्क के काम करने के बाद वो बेहोश नहीं होती। उसको याद आ चुका था कि समंदर के किनारे वो दोनों अपनी बेटी का बर्थडे मनाने गए थे। फिर ये दोनों यहाँ पर एक के बाद एक टास्क पूरा करते जा रहे थे, जो पहले से ज्यादा मुश्किल थे। जैसे इनका एक टास्क ऐसा था कि इन्होंने रेत से किला बनाना था, और ऐसे ही मुश्किल हर काम करने के बाद एलन के कानों से खून भी निकल रहा था। इसी तरह बहुत दिन गुजर गए थे। वो दोनों अजीब सा खाना खाकर जिंदा रह रहे थे। एक दिन एलन को टास्क दिया जाता है कि वो बंदूक के सारे हिस्सों को एक एक करके जोड़े, पर एलन इसको ठीक से नहीं कर पा रही थी। इस बात पर रॉजर उस पर गुस्सा करता है। एलन को भी उस पर गुस्सा आ रहा था, और अब गुस्से में वो उस बंदूक को जोड़ लेती है और बेध्यानी में रॉजर पर गोली चला देती है। पर वो गोली लगने से पहले हवा में ही रुक गई थी। तभी सब कुछ ठीक हो जाता है और एलन बेहोश होकर दोबारा से अपने सपने में चली जाती है, जहाँ पर अब उसकी बेटी ने रेत से किला बना दिया था, पर रॉजर ने आकर उसे खराब कर दिया था। कहता है, मुझसे गलती हो गई। तभी एलन जाग जाती है। अब वो दोबारा से उसी कमरे में थी, जहाँ पर बैठकर वो रॉजर के साथ खाना खाती है। एलन रॉजर को बताती है कि मुझे अपनी पुराने जिंदगी के बारे में कुछ याद नहीं, जिस पर वो बताता है, तुम एक टीचर थी और मैं एक सिंगर, लेकिन हमारी बेटी के पैदा होने के बाद मैंने ये सब कुछ छोड़ दिया था। वो अपनी जिंदगी की हसीन यादों को याद करके मुस्कुराने लगते हैं और एक दूसरे से लड़ाई की माफी भी मांगते हैं। इसी तरह बातें करते करते एलन सो गई थी। इस बार वो सपने में देखती है, उसको रेत में से रॉजर की अंगूठी और अपनी बेटी का जूता मिलता है और यहीं पर उसकी आंख खुल जाती है। इस बार उसके सामने रॉजर को एक कांच की दीवार के पीछे खड़ा किया गया था। उसके अंदर रेत गिर रहा था, पर एलन कुछ नहीं कर पाती। वो अपना ध्यान नहीं लगा पा रही थी। यहीं पर वो अपनी पिछली यादों को भी सोच रही थी, इसीलिए वो इस टास्क को पूरा नहीं कर पाती। और देखते ही देखते रॉजर उस रेत में दफन हो जाता है, जिसके बाद आवाज आती है, तुमने अपना टास्क पूरा नहीं किया। एलन को बहुत गुस्सा आ रहा था और गुस्से में वो तेज आवाज से उस स्पीकर को भी तोड़ देती है, जिससे आवाज आ रही थी। तभी उधर एक दरवाजा खुलता है, जिसमें से तीन सिपाही आते हैं
लेकिन एलन अपनी ताकतों से उन्हें भी मार देती है। फिर यहाँ से बाहर आती है, वो देखती है उसने 298 टास्क पूरे किए थे। तभी वहाँ पर और भी बहुत से सिपाही आते हैं, मगर इस बार एलन अपनी ताकतों को सही से इस्तेमाल करना सीख गई थी। वो उन सभी को मार देती है। जब वो बाहर आती है तो उसे तीन दरवाजे नजर आते हैं और उधर ही रॉजर भी मिलता है। जब ये उसके पास जाती है तो वो इसको बताता है, तो वो एक दरवाजे की तरफ इशारा भी करता है, कहता है सब मेरी तरह हैं। जब एलन उस दरवाजे को खोलती है उसमें से रॉजर जैसा ही हमशक्ल बाहर आता है। तभी उधर और भी सिपाही आ गए थे, वो भी सभी एक ही शक्ल के थे। एलन उन्हें भी मार देती है और फिर एक कमरे में जाती है जहाँ पर उसे रोबोट की आवाज आ रही थी कि तुम्हारी बेटी मर चुकी है। ये सुनकर एलन अपने कंट्रोल से बाहर हो जाती है और जोर से चिल्लाती है। वो लोग जिन्होंने इसे कैद किया हुआ था इसके पीछे लगी डिवाइस को बंद कर देते हैं जो यादें मिटाया करती थी। मतलब ये था कि उसके सर के पीछे जो चोट लगी हुई थी वो दरअसल एक डिवाइस थी जो उसके दिमाग में फिट की गई थी। यहाँ पर एलन को सब याद आता है कि उनकी बेटी का बर्थडे था, वो सभी मिलकर समुंदर के किनारे घूमने गए थे। लेकिन इसी बीच रॉजर की उसके साथ लड़ाई हो गई और गुस्से में रॉजर ने उस पर हाथ उठाया था, जिस वजह से वो गुस्से से चिल्लाई और उसके इतने जोर से चिल्लाने की वजह से रॉजर और उसकी बेटी की मौत हो गई। अपनी फैमिली की मौत की वजह वो खुद थी। दरअसल एलन के पास खास ताकतें थी। वो आवाज इसको ये भी बताती है कि जितने भी टास्क तुमने किए सभी तुम्हारी ताकतों का टेस्ट था। तुम्हारे सामने एक दरवाजा है जहाँ पर जाने के बाद तुम सब कुछ भूल जाओगी, पर एलन कहती है नहीं, मैं अपने हस्बैंड और बेटी की यादों में रहना चाहती हूँ, मैं ये सारे टास्क फिर से करूँगी। फिर एलन को वही सपने आते हैं और फिर से उसकी आँख उसी कमरे में खुलती है, पर पहले का उसे कुछ भी याद नहीं था। फिर से उसे पेंसिल हिलाने का टास्क दिया जाता है। मूवी के आखिर में हमें बताया जाता है कि एलन यहाँ पर क्यों थी और ये आवाज़ किसकी थी। ये जगह एक खुफिया ऑर्गेनाइजेशन थी। इनको तब पता चला जब एलन ने अपनी ताकतों से अपनी फैमिली को मार दिया, जिसके बाद ये लोग इसको यहाँ पर ले आए ताकि यहाँ पर रहकर ये अपनी ताकतों को कंट्रोल कर पाए, ताकि आगे की जिंदगी में इसकी वजह से कोई नुकसान में ना हो, इसके आसपास के लोगों को कोई तकलीफ ना हो। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।